हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। हम पिछले व्याख्यान में दुर्ग स्थापत्य कला के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के विषय में चर्चा की, आज हम कुंभलगढ़ दुर्ग के विषय में चर्चा करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग भी राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला में अपना प्रमुख स्थान रखता है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात गिरिदुर्गों में सबसे सुदृढ़ और एक विकट दुर्ग के रूप में कुंभलगढ़ दुर्ग की एक निराली, एक विशेष पहचान है। और कुंभलगढ़ का दुर्ग न केवल मेवाड़ में अपितु तो समूचे राजस्थान में, जो राजस्थान के जो अभेद दुर्ग हैं उन दुर्गों की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि यहाँ की जो मेवाड़ के जो यशस्वी शासक थे, उन यशस्वी शासकों ने, जिसमें महाराणा कुंभा का विशेष स्थान है, उन्होंने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। उसमें कुंभलगढ़ एक प्रमुख दुर्ग है, जो कि उदयपुर के अंदर जो नाथद्वारा है उससे 25 मील दूर अरावली पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। और ये दुर्ग है वो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा में एक सादड़ी नामक गांव है। वहाँ पर यह दुर्ग स्थित है। और इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने है, वो 1448 से 1458 के बीच में है। लगभग 10 वर्षों के बीच में इस दुर्ग का वो निर्माण करवाया। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो, क्योंकि एक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे गिरिदुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और जो जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी को जरगा पहाड़ी है के नाम से जाना जाता है। और ये दुर्ग, जैसे मैंने बताया कि राजसमंद जिले के अंदर जो सादड़ी है उसके निकट है, और तत्कालीन मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर यह स्थित था। इस जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माता है तो महाराणा कुंभा को माना जाता है, और महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर है इस दुर्ग का निर्माण करवाया। लेकिन इस दुर्ग के निर्माण से पहले भी यहाँ पर दुर्ग था, और उसके खंडरों पर है वो महाराणा कुंभा ने अपने प्रसिद्ध शिल्पी जो मंडन है उसकी देखरेख में है इस दुर्ग का निर्माण करवाया। तो इस दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण का जो श्रेय है वो अशोक के पुत्र संप्रति को जाता है, जो जैन धर्म का अनुयायी था, और उसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। उसको मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग कहा जाता था। तो मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग के जो खंडर थे, अवशेष थे, उनके ऊपर है वो महाराणा कुंभा ने अपने प्रसिद्ध शिल्पी मंडन की सहायता से या मंडन की देखरेख में लगभग 10 वर्षों के मध्य 1448 से 1458 के बीच में है वो इस मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग के ऊपर ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया। और इस दुर्ग का नाम अपनी जो पत्नी थी उसकी महाराणा कुंभा की कुंभल देवी उसके नाम पर ही है इस दुर्ग का नाम है वो कुंभलगढ़ है वो रखा। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो अपनी जो एक विशिष्ट स्थापत्य कला के कारण है, वो समुद्र तल से लगभग 3500 फीट ऊंचे होते हुए भी ये जो दुर्ग है वो हरी भरी वादियों के कारण दूर से नज़र नहीं आता है। और इसकी ऊंचाई इतनी है कि इसकी जो 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 इस पर जो बादल वहन बना हुआ है, सबसे ऊंची चोटी है, उस ऊंची चोटी को है वो सबसे इस दुर्ग के भीतर एक दुर्ग है जिसको कटारगढ़ कहा जाता है या लघु दुर्ग कहा जाता है। और इस कटारगढ़ का सबसे सर्वोच्च महल है उसको बादल महल कहा जाता है। तो जो बादल महल है वो सर्वोच्च है, और वहाँ पर बादल महल इस कारण से महत्वपूर्ण स्थान है बादल महल का, क्योंकि एक तो एक सर्वोच्च महल है ये, इस दुर्ग की सबसे ऊंची इमारत है वो बादल महल ही है, और यहाँ महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा की जन्मस्थली भी इस बादल महल को माना जाता है। और जो 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 बादल महल है वो इतना ऊंचा है कि जो बादल है वो इसके ऊपर है वो विहार करते हुए नज़र आते हैं। और इस दुर्ग की जो दीवार है वो एक तरह से जो 36 मीटर है वो लंबी जो दीवार है, और इतनी चौड़ी दीवार है कि चार घोड़े हैं वो एक साथ निकल सकते हैं। तो ये दुर्ग है वो अविजित ही रहा, केवल 1577 में शाहबाज खान ने है, जो अकबर का सेनापति था, उसने इस दुर्ग को जीता था। इसके अलावा इस दुर्ग पर किसी आक्रमणकारी है कोई भी आक्रमणकारी इस पर अधिकार करने में असफल रहा।
तो जो बादल महल है उसकी ऊंचाई के विषय में या कटारगढ़ की ऊंचाई के विषय में है, वो जो 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 अबुल फजल है वो ये कहते हैं कि अब कटारगढ़ के विषय में कि इस ये कटारगढ़ है वो इतनी बुलंदी पर स्थित है कि यदि नीचे से ऊपर से तक देखा जाए, देखने का प्रयास करें तो सिर से पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। अर्थात एक प्रकार से है वो जो 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 इसकी ऊंचाई है वो अबुल फजल बहुत ज़्यादा बताता है। और जो कुमलगढ़ जो दुर्ग है, वो कुमलगढ़ जो प्रशस्ति है, उसमें कुमलगढ़ दुर्ग के विषय के अंदर है वो इसकी जो जो विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएँ जिसके ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है उसके नाम मिलते हैं, जैसे श्वेत है, नील है, हेमकुट है, निषाद है, हिमवत है, गंधमादन है, आदि जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके ऊपर है ये दुर्ग है वो बना हुआ है, वो हमें नज़र आता है। तो एक तरह से क्या है कि विभिन्न पहाड़ियों के समूह पर है ये दुर्ग है वो मिलता है। और एक तरह से हम कहें कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस दुर्ग की जो नींव है वो 1448 ईस्वी के अंदर है वो महाराणा कुंभा ने है वो रखी, और इसको कुंभल मेरु दुर्ग भी कहा जाता है या कुंभलगढ़ दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर है वो इस दुर्ग का नाम रखा। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस दुर्ग की प्रारंभिक निर्माता है वो संप्रति था, अशोक का जो पुत्र था, और संप्रति जो जैन धर्म का अनुयायी था। तो यहाँ इस कारण इस दुर्ग के अंदर कुछ जैन मंदिर है वो भी मिलते हैं हमें। और इस दुर्ग के निर्माण में जैसे मैंने बताया कि मंडन जो प्रसिद्ध शिल्पी था, वास्तुशास्त्री था कुंभा का, उनकी देख रेख के अंदर है, उनकी निगरानी के अंदर है इस दुर्ग है वो का निर्माण है वो 10 वर्षों के भीतर है, 1458 के अंदर है ये दुर्ग बनकर है वो तैयार हुआ। और कुंभा ने एक प्रकार से जब इसका निर्माण पूरा हुआ तो इस अवसर पर कुंभा है ने एक विशेष प्रकार के सिक्के चलाए जिन पर कुमलगढ़ दुर्ग का नाम है वो अंकित किया अंकित मिलता है। तो विशेष प्रकार के सिक्के मिलते हैं जो इसके कुमलगढ़ दुर्ग के निर्माण की स्मृति के अंदर है। तो जहाँ तक ये दुर्ग है, जैसे मैंने ये दुर्ग है वो काफ़ी अभिजित ही रहा, और इसलिए जो आक्रमणकारी हैं वो हमेशा है वो एक प्रकार से उनकी आँख की किरकिरी है वो ये रहा। और जो आक्रमणकारी हैं उन्होंने है उस पर जो जहाँ तक आक्रमणकारियों के विषय में हम बात करें तो जो महाराणा कुंभा के समय में है वो इस दुर्ग पर है वो आक्रमण होता है। मालवा के जो सुल्तान है वो महमूद खिलजी है वो आक्रमण करता है लेकिन महाराणा कुंभा के हाथों में वो पराजित हो जाता है। और एक तरह से जो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उस पर जो विजय प्राप्त करने में है वो एक तरह से जो हम कहें कि शाहबाज का है वही सफल रहते हैं, बाकी है वो सफल नहीं रहते हैं। तो देखिएगा कुंभलगढ़ दुर्ग है उस पर जो यहाँ के इसके दुर्ग की स्थापत्य कला की जब हम बात करें तो एक तरह से हम कहें कि सामरिक दृष्टि से है ये दुर्ग है वो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित होने के कारण से है वो सामरिक दृष्टि से है वो एक महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता था। और राजस्थान के दुर्गों के जो अभेद दुर्ग है उसमें गिरी दुर्ग का एक तरह से एक प्रसिद्ध उदाहरण है ये माना जाता है। और वीर विनोद में तो इस दुर्ग के विषय में कहा गया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात है वो दूसरे नंबर का जो दुर्ग है वो जो एक तरह से कुंभलगढ़ दुर्ग है, क्योंकि इस दुर्ग से भी है वो वीरता और बलिदान के रोमांचक जो गौरव गाथाएँ हैं वो जुड़ी हुई हैं। और एक तरह से अपने अनूठे स्थापत्य और जो 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 नर्सगी की सुरक्षा कवच है उसकी दृष्टि से भी कुंभलगढ़ दुर्ग है वो एक तरह से बेजोड़ माना जाता है और उसका कोई सानी है वो नहीं है। तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग के विषय के अंदर हम बात करें तो इसके 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 जो विभिन्न द्वार हैं वो मिलते हैं। हम कहें कि कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए है वो नौ द्वार जो नौ जो पोल है वो द्वार मिलते हैं, जिसमें हल्ला पोल है जो जिसको राम पोल भी कहा जाता है, या जिसको प्रथम द्वार है उसको आरठ पोल कहा जाता है, फिर हल्ला पोल है, हनुमान पोल है, भैरव पोल है, गणेश पोल है, चौहान पोल है, पागड़ा पोल है, विजय पोल है। इस प्रकार नौ जो दरवाजे हैं वो हमें मिलते हैं। और इसके जो इस कुंभलगढ़ दुर्ग की एक विशेषता यह है कि इस कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर है वो 26 किलोमीटर लंबा एक प्रकोटा दोहरा प्रकोटा मिलता है जो दुनिया के अंदर जो चीन की दीवार के पश्चात है ये सबसे लंबी दीवार है वो मानी जाती है, और इसे जो जो भारत की महान दीवार है वो भी कहा जाता है। और मैंने आपको बताया कि इसकी चौड़ाई भी इतनी है कि चार घोड़े वो एक साथ है वो निकल सकते हैं। तो इस वैसे तो इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया,
जो लेकिन जो जो संप्रति ने इसका प्रारंभ निर्माता माना जाता है उसके खंडरों पर इस दुर्ग का वो निर्माण है वो होता है। इसके अलावा जो से इसके अंदर जो बादल महल है उस बादल महल के अंदर दो कक्ष हैं, जिसमें एक तो जनाना महल है, इसके दो कक्षों के अंदर एक तो जनाना महल कहा जाता है और एक मर्दाना कहा जाता है। और जनाना महल के दो कक्ष हैं जिसमें एक श्रृंगार कक्ष है, एक जूनी कचहरी है। तो जूनी कचहरी में ऐसा कहा जाता है कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का है वो जन्म हुआ था। इसके अलावा जो इस दुर्ग है उसके अंदर है वो जो जो हम कहें कि अनेक प्रकार के जो अन्य इमारतें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें मामा जो देव का कुंड है वो प्रमुख माना जाता है। और मामा देव का कुंड जानते हैं कि महाराणा उदय सिंह है उसने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी, और इसके निकट ही है वो महाराणा कुंभा की छतरी हमें मिलती है। तो मामा देव कुंड के पास ही महाराणा कुंभा की छतरी मिलती है, और इसके पास ही 12 खंभों की है वो उगना राजकुमार जिसको पृथ्वीराज सिसोदिया कहा जाता है उसकी छतरी भी है 12 खंभों की है, वो भी हमें मामा देव कुंड के पास मिलती है। इसके अलावा जो 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 क्या कहना चाहिए कुंभलगढ़ दुर्ग है उसमें विभिन्न प्रकार के मंदिर मिलते हैं, जिसमें नीलकंठ मंदिर है वो प्रमुख माना जाता है। और इसके निर्माण के विषय में कहा जाता है कि जेम्स कर्ण रोड तो यहाँ कहते हैं कि यूनानी शैली के अंदर निर्मित है। इसके अलावा एक तरह से कुंभ स्वामी का मंदिर या मामा देव का मंदिर भी है, और इस पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो हमें देखने को मिलती है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है जो 5 काले शिलाओं के अंदर है, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो महत्वपूर्ण है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो कुंभलगढ़ कुंभ स्वामी के मंदिर पर है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो एक प्रकार से है 1458 में एक तरह से है वो बनकर तैयार हुआ। इसे कुंभल मेरु दुर्ग भी कहा जाता है, गिरि दुर्ग है, जरगा काड़ी पर निर्मित है, और सादड़ी के निकट राजसमंद के सादड़ी के निकट जो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। और इसका जो प्रसिद्ध जो शिल्पी था वो मंडन था, और एक प्रकार से हम कहें कि जो ये दुर्ग है उस दुर्ग के अंदर जो विभिन्न प्रकार की इमारतें हैं उसमें जो विभिन्न छतरियां हैं जिसमें जो जो महाराणा कुंभा की छतरी है और उगना राजकुमार की छतरी है वो प्रमुख मानी जाती है। मंदिरों के अंदर है नीलकंठ मंदिर है जिसको कर्नल टोड ने यूनानी शैली का बताया, और मामादेव का मंदिर है जिसको कुंभ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, और वहाँ पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति 5 काले पत्थरों पर उत्कीर्ण हमें मिलती है। और इसका जो लेखक है वो कान्यावास को माना जाता है, कन्या व्यास है, और जो संस्कृत भाषा के अंदर है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसके अलावा जो कुंभलगढ़ दुर्ग के विषय में हम कह सकते हैं कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका जो कटारगढ़ दुर्ग है उसको मेवाड़ की आँख भी कहा जाता है, एक प्रकार से मेवाड़ की जो आँख के नाम से भी जाना जाता है। और एक तरह से इसके लिए कटारगढ़ दुर्ग के पास ही है वो झालिया रानी का जो मालिया है वो भी हमें मिलता है, जो कि मंडोर की राजकुमार की मंगेतर थी, और एक तरह से क्या है कि महाराणा कुंभा ने इसके साथ विवाह कर लिया था। तो झालिया रानी की जो 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 झालिया रानी का जो माली है वो भी हमें मिलता है, और विभिन्न प्रकार की छतरी के बारे में हमने चर्चा की। और इसके अलावा जो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके विषय में हम कह सकते हैं कि ये जो दुर्ग है राजस्थान के जो जो दुर्ग है उनके अंदर है वो प्रमुख दुर्ग माना जाता है, जिसमें पानी संग्रहण की है वो एक विशिष्ट व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जिसमें झालीबाई गिरी बावड़ी है, और एक तरह से क्या है कि जो मामा देव का जो कुंड है वो पानी संग्रह का वो एक तरह से वो प्रमुख है। इसके अलावा इसके साथ जो जो विशेष ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं उसमें हमने पनाध्याय वो अपने पुत्र जो चंद्रन का बलिदान कर किस प्रकार से उदय सिंह कि प्राणों की रक्षा के लिए इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर वो शरण लेती है। और यहीं जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसमें महाराणा उदय सिंह है उसका राज्याभिषेक होता है, और महाराणा जो जो प्रताप है उनका जन्म भी है वो इसी में होता है। और एक तरह से इसके जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी था, और जिसको कटारगढ़ कहा जाता है, और जो बादल महल है जिसको प्लेस ऑफ क्लाउड भी कहा जाता है, जो महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है वो बादल महल माना जाता है। तो बादल महल है उसकी उसकी जो प्रशंसा है वो अबुल फजल है वो भी करते हैं, और एक प्रकार से कुंभलगढ़ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी थी, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो ये जो दुर्ग है जो एक प्रकार से क्या है कि अपने आप के अंदर है वो एक विशिष्ट दुर्ग है वो माना जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान के जो विभिन्न दुर्गों के बारे में हमने चर्चा की, उसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण दुर्ग है
वो कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो एक प्रकार से क्या है कि अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और एक प्रकार से जो इसका जो 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 ऐतिहासिक महत्व है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, उस कारण से है ये दुर्ग है, वो राजस्थान के दुर्गों के अंदर है, वो विशिष्ट दुर्ग है वो माना जाता है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगले व्याख्यान में हम अगले दुर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।